के बाहर आने के बाद बिहार की राजनीति में कुछ खलबली जरूर होगी। ये चुनाव लड़ना हारना अलग बात है, सीएम बनना न बनना जिले के युवाओं को एक मंच से जोड़ने का ये प्रयास। नमस्कार, स्वागत है गंगा न्यूज में। आज हमारे साथ देख सकते हैं मनीष कश्यप के बहुत ही नजदीकी और बहुत ही करीबी मौजूद है रामजी सिंह जो बक्सर से। स्वागत है भैया गंगा न्यूज में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भैया। इतना रात हो गया मनीष कश्यप के लिए, बक्सर से आए हुए आज जेल से निकल रहे, क्या कहेंगे? कहना क्या है, आप तो देख रहे हैं यहाँ की स्थिति क्या है। और मैं बक्सर से आया हूँ, लेकिन तमाम जितने लोग यहाँ से आए हैं बिहार के विभिन्न जिलों से यहाँ पे आए हैं मनीष कश्यप की एक झलक पाने के लिए। मनीष कश्यप का आज रिहाई होने वाला, उस खुशी में आज यहाँ पे देख सकते हैं कि लोग जो अगर नेता लोग रहते हैं तो लोग अपना पैसा खर्चा करते हैं, लेकिन मनीष भाई को देखने के लिए, मनीष भाई के लिए लोग अपना लगा के इस ठंडी में रात को यहाँ पे सुबह से लोग खड़े हैं। ये एक देख सकते हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है। अच्छा भैया, कभी आपने देखा होगा कि इतने पत्रकार आए, इतने पब्लिक किसी पत्रकार के लिए खड़े हो या नेता के लिए? इतने पत्रकार किसी नेता के लिए भी हम नहीं देखे हैं। पत्रकार तो बात करते, किसी नेता के लिए भी, किसी मंत्री के लिए इतने पत्रकार आप भी नहीं देखे होंगे मुझे लग रहा है। मैं तो नहीं, पूरा रोड जाम था। अभी तो आप देख सकते हैं सभी लोग चाय पानी पीने गए हैं, लेकिन अभी तो रोड जाम था आज। अच्छा अच्छा भैया, कैसा लग रहा है आज जब इतने दिनों, कम से कम 7-8 महीने बाद मनीष कश्यप निकल रहे हैं जेल से, तो क्या कहेंगे? देखिए, युवाओं में खुशी की लहर है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार युवा पागल, मैंने भोजपुरी में कहा पगला गए हैं, पागल की भूमिका में यहाँ पे है। इस ठंड में शीत गिर रहा है, लेकिन किसी को कोई असर है? ठंड लग रहा है किसी को ना? एकदम नारा लगा रहे हैं, कोई चाय पी रहा है, पूरा भीड़ इकट्ठा है। और ये किसी पार्टी जाति से सब ऊपर उठ के एक मनीष कश्यप ने युवाओं के भीतर एक जागृति तो पैदा की है, उसका यह नतीजा है। आप देख सकते हैं, आपने जो बात कही कि पहली बार इतने पत्रकार किसी एक पत्रकार के लिए, किसी मंत्री विधायक के लिए हम लोग नहीं देखे होंगे, मुख्यमंत्री के लिए इतने पत्रकारों की भीड़ कोई नहीं देखा हो जो आज है। पूरे मतलब कि बिहार से कहे तो मतलब यूपी या झारखंड से तक ले यहाँ तक लोग पहुंचे हैं। हाँ, पत्रकार क्या अभी मिले थे, धनबाद से लोग आए थे। उनका कहते भैया तो फोर व्हीलर धनबाद बताइए, अपना मनीष से परिचय है? परिचय नहीं है, बताइए। धनबाद से अपना पेट्रोल जला के केवल मैंने क्या उसको मिलेगा? एक दिल की यह भावना है, कहीं ना कहीं मनीष भाई का जो काम रहा है गरीब और पीड़ित लोगों के लिए, जो आवाज उठाते हैं, कहीं ना कहीं उससे लोग प्रभावित हैं और उसी का ये नतीजा है। ये देखिए, अगर सोशल मीडिया में अगर हल्ला करके अगर ये किया गया होता तो पूरा कहीं ना कहीं पूरा पटना जाम की स्थिति में हो जाता। अच्छा भैया, अगर सिंपल सा बात है, समझिए कितना बड़ा उन्होंने संघर्ष किया है। सबसे बड़ा बात, चंपारण और बेतिया को एक ऐसा जगह कहा जाता है, कहावत है कि वहां पर बेंग मूत्र देता है तो बाढ़ आ जाता है। समझिए, वहां से एक शख्सियत उठता है, एक लड़का उठता है और अपने संघर्ष से एक ऐसा पहचान बनाता है, उसके लिए भारत भर से कोने कोने से लोग आ रहे हैं। और ये कोई पैसे का भीड़ नहीं है। समझिए, अगर कोई बड़ा नेता रहता तो उसके लिए बड़ा पैसा खर्च करना पड़ता है, फिर भी ऐसा भीड़ नहीं जुटता है। इतने पत्रकार पैसे पर भी नहीं जाते हैं। समझिए, एक पत्रकार के लिए जिसने गरीबों के लिए आवाज उठाया, शोषितों के लिए आवाज उठाया, ब्लॉक से लेकर नाली व्यवस्था तक को दिखाया, उसके लिए आज इतने सारे पत्रकार, इतने सारे क्रिएटर और भारत के कोने कोने से लोग आए, तो कहीं ना कहीं उनका संघर्ष है। और सबसे बड़ा बात, उनके माँ बाप का दिया हुआ कुछ नहीं है, उन्होंने जो भी पाया है अपने दम पे पाया, अपने मेहनत से पाया, तो ये काबिले तारीफ है कि उस शख्स के लिए आज पूरा बिहार जुट रहा है। और जुटे क्यों ना भाई, उसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से गलत तरीके से फंसाया गया था वो कहीं से सही नहीं था। आज 8 से 9 महीना तक वो कैद है, उनका कीमती समय बर्बाद हुआ, ना जाने कहां तक पहुंचे रहते, कितने गरीबों के लिए आवाज उठाते, लेकिन उन्हें दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन बिहार के लोग उनको दबने नहीं देंगे, वो फिर से आएंगे और फिर से उसी तरह से आवाज उठाएंगे। अच्छा भैया, एक बात मैं पूछना चाहूंगा, आप तो हमेशा करीब से जानते हैं मनीष कश्यप को, क्या आएंगे तो पत्रकार के ही काम करेंगे कि अब नेता बन जाए? बहुत सारे लोग कह रहे हैं मुख्यमंत्री ने नेक्स्ट सीएम मनीष, पत्रकार वो बाद में बने हैं, वो पहले नेता है, जान जाइए। चनपटिया से विधानसभा चुनाव वो लड़ चुके हैं, तो नेतागिरी से ही वो पत्रकार बने हैं। और मुझे लग रहा है कि बिहार की जनता उनको चाह रही है कि बोलते हुए भी देखना। ठीक है, वो राजनीति में आए, चुनाव तो लड़ेंगे ही, और किसी पार्टी से में आए उसे अलग बात, लेकिन मुझे लग रहा है कि बिहार की जनता ये चाहती है कि वो आवाज रुके ना, वो बोलते रहे। ऐसा थोड़ी पाबंदी है कि आप पत्रकारिता कीजिएगा तो चुनाव नहीं लड़ पाइएगा। और ये तय है कि क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, बहुत तरह का यह नारा लगा, उसपे मैं नहीं जाऊंगा, गंभीर बात मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इनके बाहर आने के बाद
बिहार की राजनीति में कुछ खलबली जरूर होगी, ये तय है। अच्छा एक सवाल है, जब बोले थे कि अगर मैं जेल चला जाऊंगा तो आते ही सरकार गिरा दूंगा, वो वाली बात पे क्या कहेंगे भैया? वो वाली बात पे छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी मैं अगर कुछ बोलूं तो, लेकिन इतना है कि मनीष भाई के बाहर आने पे जिस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि युवा एग्रेसिव है, या युवाओं को ये लग रहा है कि मनीष भाई के साथ थोड़ा सा जाती हुई है जिस प्रकार से, तो कहीं ना कहीं युवाओं के मन में एक मनीष कश्यप को लेकर एक संवेदना भी है, एक भावनात्मक जुड़ाव पहले से बहुत ज्यादा है, तो उनके बाहर आने के बाद मुझे लग रहा है कि बिहार की राजनीति एक अलग दिशा में, मनीष भाई के एक अलग दिशा जरूर देंगे, यह एक ऐसा माहौल है अभी। मतलब सरकार में मतलब उलट पुलट होगी जरूर, हो सकती है, कहा नहीं जा सकता। मनीष भाई अब आगे आए, उनका क्या निर्णय होगा, क्योंकि बोले थे कि मैं जेल जाऊंगा तो 128 दिन में कितना सरकार गिरा दूंगा, ऐसे करके किस परिस्थिति में बोले हैं वो तो वो बताएंगे। और अब छोटी बड़ी छोटी बात मैं नहीं बोल सकता, लेकिन इतना तय है जो देखने के बाद, एक साधारण घर का लड़का आज रिहाई होने वाली है और बिहार के विभिन्न जिलों से अपना भाड़ा लगा के, अपना तेल लगा के, अपना टिकट लगा के, और इस सर्दी में, इस शीतलहरी में लोग खड़े हैं सुबह से, इस आज रात हो गया है, खड़े हैं बिना पैसा। ये एक जाति की भीड़ नहीं है, किसी पार्टी विचारधारा की भीड़ नहीं है, एक व्यक्ति के लिए, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति आज एक विचारधारा का रूप ले रहा है, और यही कारण है कि इतनी भारी तादाद में आज युवाओं की यह भीड़ है। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में युवाओं के लिए कुछ एक सकारात्मक बिहार से कुछ रास्ता बनने वाला है, ऐसा हम लोग को लग रहा है। मनीष कश्यप आते हैं तो फिर मिल के जाएंगे या ऐसे चलेंगे? आज तो आए, इतना रात हो गया, लेकिन अभी तक ले उन बाहर नहीं निकले। जो मिलने आया है वो तो मिल, अब तो सुनने में आ रहा है कि सुबह में आएंगे, और अब जाना लग रहा है कि बेमानी होगी। जो गरीब गुरबों की आवाज के लिए इतने दिन से पड़ा है, और उसके लिए अगर हम लोग एक दिन रोड पे खड़े नहीं हो सकते या फुटपाथ पे सो नहीं सकते हैं, तो फिर दोस्त कहना भी थोड़ा सा लग रहा है कि बेमानी होगी। अच्छा जो सरकार को मतलब कमियों को हमेशा दिखाते थे, तो कहीं ना कहीं आप लोग समझाएंगे कि अब सरकार की कमी मत दिखाएं, चाहे देखिए युवाओं की आवाज को कोई रोक नहीं सकता है। इतिहास गवाह है कि देश में जब भी कोई बड़ा परिवर्तन हुआ है, जब भी कोई बड़ा आंदोलन हुआ, तो उसका नेतृत्व, उसकी अगुवाई युवा ही की है। इसीलिए युवाओं के बारे में पूरे भारत में ये बात कही जाती है कि तलवारों की धार पे इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आज जवानी देख सकते हैं, जवानी की भीड़ यहाँ पे लगी है बेरुजेल के बाहर, तो कहीं ना कहीं कुछ बिहार में एक सकारात्मक कुछ युवाओं के द्वारा होगा, यह तय है। अच्छा उनके आरोप लगा था कि दो देशों में मतलब विवाद फैलाने का मतलब कोशिश किया गया, लेकिन जो दो राज्यों में तो कहीं नहीं वो सही असही अलग है। हाँ तो भैया जितने जो वीडियो बनाए थे उनको बाहर से बाहर मतलब कि एंसेप्टिक मतलब बेल दे दिया गया, लेकिन मनीष का सब वीडियो खाली शेयर किए थे, तो मतलब मनीष का सब के शेयर करने का नतीजा एनए से लग गया, मतलब कि तमिलनाडु ले गया मतलब, और सारे कई कश्यप। मनीष कश्यप एक बहुत बड़ा चेहरा थे, समझ रहे हैं ना, और मनीष कश्यप बहुत बड़ा चेहरा थे। वो जो वीडियो की बात कर रहे हैं, बहुत लोग हमारे जिले में भी बहुत ऐसे यूट्यूबर हैं उसको शेयर किए थे, उसको मैंने अपने आईडी से डाले थे, कहीं उनका कहीं जिक्र नहीं है। बहुत ऐसे अखबार, प्रतिष्ठित अखबार वाले ने न्यूज दिया था। हो सकता है कि कुछ वीडियो गलत हो, फर्जी हो, ऐसी बात नहीं, हो सकता है, लेकिन उस वक्त मजदूर तो फोन करते, अभी हमारे साथ 3-4 यूट्यूबर है हमारे यहाँ से आए हैं, अभी तक रिकॉर्डिंग है कि कैसे ट्रेन से लोग फोन करते थे, हमारे यहाँ हमारे जिले के लोगों को फोन करते थे, भैया वहाँ पे हमको मार के, तो खैर डर के मारे ये लोग अपना डिलीट कर दिया, लेकिन ये डिलीट नहीं किए। और अब समझ रहे हैं कि जो डंके की चोट पे बोलता है उसको हरियाणा तो भरना पड़ता है, वही इनके साथ हुआ, कहीं ना कहीं एक उस बात के लिए आज 8-9 महीना बहुत बड़ी बात है। अच्छा भैया आप मिलेंगे तो इस सब विषय में चर्चा होगी? अभी तो चर्चा, अभी तो केवल मिल के आदमी एक बार गले मिल जाए वही आत्मा को संतुष्टि देगी, और उसके बाद अभी तो सबसे पहले सबसे मिल के मुझे लग रहा है कि सबसे पहले अपनी माँ के पास उनको जाएंगे ही, माँ परिवार भाई आज कम से कम उनके साथ रहेंगे, और उसके बाद जैसा सुनने में आ रहा है कि पूरे जिले में एक इनका ये होगा, बिहार के तमाम जिलों में इनका एक एक सभा होगा,
एक एक दिन एक एक सभा करेंगे, तो इससे हमको लग रहा है कि जिस प्रकार से रणनीति बन रही है तो आने वाले दिनों में बिहार के युवाओं को, पूरे जिले के, बिहार के तमाम जिले के युवाओं को एक मंच से जोड़ने का ये प्रयास करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है इनकी टीम के द्वारा बात करके। अगर मतलब कि हमारी वीडियो अगर आते हैं आप बाद में देखते हैं तो क्या उनके लिए कुछ कहेंगे आप? तो कुछ संदेश रहेगा मनीष कश्यप के लिए, क्योंकि काफी करीबी है आप? अभी करीबी हम जानते हैं। तो मनीष भाई देखिए, मनीष में यही खासियत है, देखिए विचारधारा। अब मैं आपको एक और बात बता दूं गंगा चैनल के माध्यम से, मनीष भाई और मेरी विचारधारा अलग अलग है, हम लड़ाई भी हो जाती है। हाँ, एकदम भाषा बसी होती है, उनका विचारधारा अलग है, हम लोग का विचार, हम लोग समाजवादी विचारधारा, लेकिन रिश्ता निभाने में मनीष कश्यप की कोई सानी नहीं है। मैं हम लोग एक जिले में काम करते हैं, एक जिले में हम लोग का प्रभाव है, एक जिले में काम करते हैं और उतना हम लोग रिश्ता अपने साथियों के साथ नहीं निर्वहन कर पाते हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी शख्सियत होके और छोटी छोटी बात कही हमेशा, खेल जैसे कभी जिले से निकल, कभी हम हमारी ओर गए तो एक मिनट भी गए तो जरूर इनका फोन आना है कि मैंने हम बता दे, कम से कम भले मिले नहीं, हम निकल जाए दूसरे कि कल वो दूसरे के माध्यम से सुने या वीडियो देखे तो उनको कष्ट ना, मतलब इतना ये रिश्ता निभाने वाले। और कई बार हम लोग को जहाँ जरूरत बिना कहे, एक होता कि हम लोग फोन करते मनीष भाई यहाँ पे जरूरत नहीं, बिना कहे वो सोशल मीडिया या फेसबुक व्हाट्सअप पे देख लिए उनको लगा और खुद से मदद के लिए वो लोग वो आगे हैं। तो रिश्ता निभाने में मनीष कश्यप की कोई सानी नहीं है और यही कारण है कि सभी विचारधारा से ऊपर उठ के लोग यहाँ पे जुटे हैं। तो क्या कहेंगे अगर मनीष का सब मेरा आते हैं जेल से, आप वीडियो बाद में देखते हैं तो कुछ कहेंगे, संदेश रहेगा कुछ? मनीष भाई पहले तो आए और आए मिलेंगे और कहना क्या, मनीष भाई को पता है कि, और मैं जानता भी हूँ कि मनीष भाई पहले से भी दोगुने की गति में वो अपना एक जो अभियान है वो निरंतर जारी रखेंगे, ऐसी उम्मीद है। मनीष भाई से मेरा यह आग्रह भी होगा कि ठीक है चुनाव लड़े वो अलग बात है, लेकिन बिहार की जनता, बिहार खासकर युवा, वो चाहते हैं चुनाव आप लड़े वो अलग बात है, लेकिन बोलना ये जो हथियार है उसको मैं यह मनीष भाई से कहूंगा आपके माध्यम से कि इसको न छोड़ेंगे, क्योंकि पूरे बिहार के लोगों की एक उम्मीद है। हाँ उम्मीद। अच्छा ये आप मानते हैं कि नहीं कि मनीष कश्यप की देन है कि एक नया क्रांति, ये माइक और एक मोबाइल और आम युवाओं को एक मनीष कश्यप की देन है कहा जाता है? मनीष कश्यप को हम गाली दे सकते हैं, मनीष कश्यप को हम गाली दे सकते हैं, उसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा, उसने एक नया रास्ता दिया है। अच्छा पब्लिक बहुत सारे जब भी हम मनीष कश्यप का डालते हैं वीडियो तो सभी लोग कमेंट में कहते हैं नेक्स्ट सीएम मनीष कश्यप। अरे यहाँ पर नारा लगा रहा था तो देख नहीं रहते। तो क्या आप चाहते हैं कि सीएम बने आएंगे तो? ईश्वर करे भगवान, ना ईश्वर करे, हम लोग उनके दुश्मन थोड़ी ना है, हम लोग अच्छा लगेगा आपको? नहीं अच्छा, सबको अच्छा लगेगा। और सीएम बने वो अलग बात है, लेकिन देखिएगा वो गाड़ी गिरे ना, सीएम बने वो अलग बात है, लेकिन मेरा मनीष भाई से यही होगा, जो उनकी तीव्रता है, जो उनकी पहचान है, वो धूमिल ना हो, इसके लिए हमें प्रयास करना है। चुनाव लड़ना हारना अलग बात है, सीएम बनना न बनना अलग बात है, विधायक बनना न बनना वो तो विधायक बन चुके हैं, चुनाव लड़ चुके हैं और एक सम्मानजनक निर्दलीय से होके और तीसरे नंबर पे थे और सम्मानजनक उस वक्त लाए थे। आज की स्थिति मुझे लग रहा है कि आज अपने क्षेत्र में जाकर निर्दलीय ताल ठोक दे तो बड़े बड़े माफियों को पसीना छूट जाएगा, इतना तो कमा लिया है अगला। एक साधारण घर का लड़का, एक बिना बैकग्राउंड का, बिना पैसे का, बिना जाति का, बिना पार्टी का, अगर इस लेवल पे आ सकता है तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये कहां तक जाएगा। चलिए धन्यवाद बात करने के लिए। हमारे साथ मनीष कश्यप के दोस्त थे जो कि बक्सर से हैं। हमारी बातचीत, हमारे वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, मनीष कश्यप के बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।